नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से आए हैं बेहद ही शानदार सोनाली मुर्गी फार्म, जहां पे बत्तख और प्लस कड़कनाथ के साथ साथ पीछे मेरे देख सकते हैं सोनाली मुर्गी भी पालन हो रहा है। जो कि एक दिन पहले दो दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जो सर का था, जो इंजीनियर साहब थे उनका, एक जो मछली के साथ साथ बत्तख और मुर्गी पालन भी कर रहे थे, उन्हीं का पार्टनरशिप में ये फार्म है। इसके विषय में भी पूरे बात करेंगे, शानदार फार्म है, कैसे पालन कर रहे हैं इसके पूरे विषय में बात करेंगे। उसके पहले बोलना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ना भूलें। तो नमस्कार सर, सबसे पहले आप सभी श्रोतागणों को नमस्कार हमारे इस छोटे से फार्म पे। ओके। और सबसे पहले मैं अपने भाइयों का परिचय कराना चाहता हूँ आपके श्रोता बंधु से जी, जो कि हमारे बड़े भैया हैं निकेश जी, जो कि MBA करके आए हुए हैं इस एग्रीकल्चर में, और हमारे अमन बाबू हैं जो कि ये भी इंजीनियरिंग करके मैकेनिकल से आकर के हम लोग एक देहात में क्या कहते हैं एग्रीकल्चर से जुड़ने का पड़ाव स्टार्ट किए हुए हैं जी, जी। और हम लोग युवाओं साथ लेकर के चलने वाला नारा लेकर चले हुए हैं जी। आप देख रहे हो ये गन्ने का खेत से स्टार्ट करके इधर से अब मुर्गी फार्म, बतख फार्म, मछली फार्म, इसी को बढ़ावा देने के ऊपर ले जाते हुए हम लोग नया प्रक्रिया आरंभ कर रहे हैं। सर, सबसे पहले बात कीजिए, आपका ये देसी मुर्गी पालन जो कर रहे हैं, आपने 1000 सोनाली मुर्गियों को डाला हुआ है जो कि ग्रोथ काफी मतलब अच्छा है, आपने इसको कब डाला था और कहां से इसका चूजा मंगवाए थे? अभी आप देख रहे हैं ये आप लगभग 5-6 महीने हुए हैं, 6 महीने अभी पूरी नहीं हुए हैं जी, जो कि ये विधिवत तरीके से अगर कोई करना चाहता है उसके लिए ये मतलब शेड्यूल तरीके से आपको एयर मतलब हवादार बनाया गया है, पूरा वेंटिलेटर सिस्टम बना करके जी। और इसका बच्चा लोकल से ही मतलब लोकल हैचरी से ही मंगाया गया था, लोकल हैचरी से, जो कि आपका कुचालकोट के पास है, आपको लास्ट में दे दिया जाएगा, वीडियो समाप्त में आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा जी। और आने वाला समय में हम लोग भी हैचरी डाल दिए हैं। अच्छा। जो कि हमारे इंजीनियर साहब बनाए हुए हैचरी अपने से ही बनाए हुए हैं, उसमें नए टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग हैचिंग मशीन बनाए हुए हैं जो कि बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, और हम लोग खुद बच्चा यहाँ से देंगे, चाहे कड़कनाथ का हो या अभी भी हम लोग देते हैं, लेकिन उतने ज्यादा स्तर मतलब पे नहीं दे सकते, स्तर पे नहीं दे पाते हैं, 500 मतलब पर डे हम लोग चूजा दे सकते हैं जी। ये जो सर आप फार्मिंग कर रहे हैं सोनाली मुर्गी का, इसका पर्पज क्या है, अंडे के लिए या सेलिंग करेंगे ऐसे मुर्गियों को? इसका मतलब हम लोग का पर्पज है ठंडे में देसी अंडा लोगों को खिलाना जी, प्लस देसी मीट खिलाना, देसी मीट खिलाना। हैचरी भी सर लगाए हुए हैं, तो हैचरी में अंडा अपने पास से डालना है कहीं और से मंगा करके? हम लोग खुद अपना यहाँ के कल्चर में ला करके यहाँ के कल्चर के हिसाब से बच्चा तैयार करके यहाँ के कल्चर के लोगों को देंगे वो बहुत सस्ते दरों पे देंगे। बहुत बढ़िया सर। सर बात कीजिए, अभी 1000 मुर्गियों का ये शेड है, इस शेड की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, इसके बारे में थोड़ा सा बात? ये आपको देखने में 52-53 फीट है। ओके। और लंबाई 30 फीट है इसका, मतलब चौड़ाई में 30 फीट है और 52-53 फीट आपका लंबाई है। सर अभी बात कीजिए, इनको दाने में आप क्या दे रहे हैं? इसमें आपका दाना मतलब देसी भी देते हैं, खुद से बना करके देते हैं, और लेयर फीड भी देते हैं, लेयर फीड भी देते हैं। तो अभी अंडे दे रही है सर? नहीं, अभी अंडे अगले महीने से अंडे देने लगे, अगले महीने से अंडे दे रही है। अभी इनका वेट की बात किया जाए तो क्या अभी इनका वेट होगा? 2 kg से लेकर के मतलब मुर्गे का वजन है 2 kg। ओके। और मुर्गी का 1 kg से लेकर के 1 kg 600-700 ग्राम, मुर्गी का वजन 2 kg हो गया है और मुर्गी का वजन 1 kg 700 तक मतलब आराम से आ गया है, जो कि आपका ग्रोथ तो काफी अच्छा है। कितना टाइम हो गया सर डाले हुए? लगभग 5 महीना हो गया। 5 महीना हो गया। और ये हमारे फॉर्म का अभी सुपरस्टार है, जो कि इधर उधर देखते रहते हैं, अमित कुमार जो देख अच्छा, रहे ये बंदा है। हाँ। क्या बात है, भाई है। बात के जाए कड़कनाथ का भी, तो कड़कनाथ में भी देख रहे हैं कि काफी ग्रोथ अच्छा हुआ है और मतलब बढ़िया एक तैयार हो रहा है सर। तो इसको डाले हुए कितना टाइम हो गया और कहाँ से मंगाए थे इसका भी सर? कड़कनाथ हम जब भी मंगाते हैं तो मध्य बर्दर से ही बच्चा मंगा रहे हैं अभी। ओके। क्योंकि वहाँ के बच्चे पे विश्वास है जी, अब विश्वास पे खरा उतरा एक मतलब विश्वास बन गया वहाँ से लाने के लिए जी, और ट्रांसपोर्ट से आ जाता है। अब हम लोग भी अपना हैचिंग में डाल दिए हैं अभी कड़कनाथ का, जिन भी भाइयों को बच्चा चाहिए कड़कनाथ आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनको मैं न्यूनतम दर यानी 50 रुपये प्रति पीस चूजा का एक अच्छा, दिन का बच्चा हम दे सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि बहुत ही अपने तरफ तो ये कम ही है ना, तो 100 रुपये प्लस या 80 रुपये 80 रुपये प्लस ही मिलता है कड़कनाथ मुर्गों का जो चूजा होता है, तो आपसे कोई कांटेक्ट करता है तो आप प्रोवाइड करा दीजिए। बहुत बढ़िया सर। बात कीजिए, आपके साथ में यहाँ पे भी आपने बतख पालन भी किया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं क्या क्वांटिटी है और कौन सा ब्रीड है? आप यहाँ बताते हैं इंडियन रनर है। ओके। जो कि हमारा एक थोड़ा सा गलत डिसीजन था जी, मैंने गर्मी के समय में उसको मतलब अंडा का समय निकाल दिया जी, अगर यही ठंडी में हम निकाले रहते तो हमारा मतलब अच्छा मतलब उसमें मुनाफा होता, जो कि इसमें आपको बताया तो थोड़ा लॉस हो गया जी।
अच्छा अच्छा लॉस हो गया अभी। तो अभी बत्तख को बात की तो अभी क्या दे रहे हैं सर? अभी बत्तख को नॉर्मल फीड दिया जा रहा है। नॉर्मल फीड है जो घरेलू मक्का हो गया, ओके, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, इसको मिला करके सोया के साथ दे देते हैं। अपने घर का भी फीड बना कर देते हैं। और जहां तक कड़कनाथ का बात किया जाए, कड़कनाथ को अभी केवल फीडिंग पे रखा जा रहा है। ये जो डिपार्टमेंट आपको दिखा रहा है ये केवल फीडिंग डिपार्टमेंट है। फीडिंग डिपार्टमेंट में इसको सिर्फ फीड पे आप तैयार कर रहे हैं? फीड पे तैयार कर रहे हैं। और जो पिछले वीडियो में देखेंगे वो नेचुरल तरीके से, मतलब अपने फीडिंग लो है और मतलब देसी, वहाँ पे भी आप एक तरह से प्रयोग कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि कैसे किस में क्या ग्रोथ है और वहाँ पे भी क्या चल रहा है, मतलब इसके बारे में कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं और क्या खिला करके भी इनको पाल सकते हैं, इसके पूरे विषय में आप दोनों जगह भी रिसर्च चल रहा है। रिसर्च चल रहा है, दोनों का ग्रोथ आपके सामने है, यहाँ का भी आप देख लिए हैं, वहाँ का भी आपने देख लिए होंगे। जी जी सर, बहुत बढ़िया सर। कड़कनाथ की बात की तो अभी इसको डाले हुए कितना टाइम हो गया? कड़कनाथ को अभी लगभग 2 महीने हुए हैं। 2 महीने हुए हैं। इनका वेट बात किया जाए 500 ग्राम से लेकर के 700 ग्राम तक चले गए हैं फीड पर। ओके, विदाउट फीड पे ये जाते हैं 300-350 ग्राम 2 महीने में। 300-350 ग्राम 2 महीने में। कोई भी चिक्स को नॉर्मल लाते हैं तो सबसे पहले उसको जैसे प्री स्टार्टर देना ही पड़ता है। जी जी। अगर चाहेंगे कि हम चूजा लेकर आए और बिना प्री स्टार्टर दिए हुए उसको ग्रोथ कर दे तो नहीं होगा, क्योंकि नहीं हो, बच्चा भी जन्म लेता है तो उसको दाल भात नहीं खिलाया जाता। नहीं, 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 नहीं। उसको पहले दूध पिलाया जाता है, सॉफ्ट खाना दिया जाता है, उसी प्रकार से इसको प्री स्टार्टर दिया जाता है। बहुत बढ़िया सर। दोस्तों आप देख सकते हैं सर का ही कड़कनाथ है जो 150+ है और सर इसका भी पालन कर रहे हैं, देख सकते हैं ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। फर्श की बात करें रूम, ये पहले से कोई मुर्गियों के लिए रूम नहीं बनाया गया था, फिर भी इसमें है 2 खिड़की है जिसमें जाली लगा हुआ है और इसी में सर्वाइव कर रहे हैं, देख सकते हैं कड़कनाथ। देसी मुर्गी का यही तो हाल है, जो भी कड़कनाथ हो गया, देसी हो गया, सोनाली हो गया, जो कहीं भी रख सकते हैं तो वो रह लेती है, कोई दिक्कत नहीं आता है। और देख सकते हैं दाने भी दिया जा रहा है और बालू नीचे रखा गया है, कोई इनके लिए धान का भूसी रखना भी जरूरी नहीं होता है। और काफ़ी शानदार ये जो है, मतलब मेरे ख्याल से सबसे महंगा बिकने वाला जो यही होता है कड़कनाथ। इसका पूरा शरीर ही काला होता है, ब्लड भी काला होगा आपका पूरा, मतलब मीट भी काला होता है, एक अंडा थोड़ा थोड़ा सा मतलब देसी की तरह ही होता है लेकिन उसमें भी कालापन थोड़ा आता ही है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सर का पिछले वीडियो में भी सर ने बताया जैसे कि सर का मछली पालन, बत्तख पालन प्लस मुर्गी पालन है और ये भी सर पार्टनरशिप में 2 इंजीनियर जो साथी हैं, जो फ्रेंड है और साथ में ही किए हैं, जो कि बत्तख के साथ साथ 1000 सोनाली मुर्गी और प्लस 150 जो कड़कनाथ मुर्गा भी है इसके साथ ही पालन किए और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने पास से भी। कुछ समय बाद सर का भविष्य का जो है बड़ा ही अच्छा प्लान है, जो भविष्य में अपने पास चूजा का पूरा अवेलेबल करेंगे, कोई भी बंदा आए तो यहाँ से खाली ना जाए, इसके विषय में पूरा सर ने मतलब सेटअप लगाया हुआ है और फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत ही शानदार फार्म है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलना चाहूँगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको कोई भी डाउट अगर हो, पूछना हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर दे दूंगा, आप उनसे कॉल करके और बेझिझक बात कर सकते हैं। धन्यवाद।